Hello everybody, students of class 7. So I am here on your chapter 2 body organs of your general knowledge book. If you get time, please do this page. Let me complete it with you today. Let's read. The human body is like a wonder machine. Hamari body ek machine ki tarah hai. A compact kit that performs various tasks. Different body parts work together to form different body systems. Okay, हमारे body part, body जो है उसमें बहुत सारे organs हैं और ये organs अलग अलग system बताते हैं. Nervous system, muscular system, skeletal system, digestive system, excretory system. इन systems का सबका मिला करके जो functioning होता है उसी से हमारी body चलती है. एक सिस्टम भी ढंग से नहीं चले या एक सिस्टम का एक पार्ट भी ढंग से नहीं चले बेटा, सो इन दैट केस आर बॉडी विल नॉट वर्क. सो हियर जस्ट चार सिस्टम्स के बारे में है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. वी हैव टू कंप्लीट द बॉडी पार्ट हियर, ऑलराइट? और हमको समझना है कि ये कौन सा पार्ट हो सकता है उस सिस्टम का. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम से आपको क्या समझ में आ रहा है? जो हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन का मतलब जो हमारा बॉडी का बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो बोनी स्ट्रक्चर है या जो हड्डियों का ढांचा है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन. स्केलेटन जो है उसके ऊपर फिर हमारे कार्टिलेज और टिश्यूज और मसल्स और वो सब हो जाते हैं, तो उससे हमारी हड्डियाँ सेफ रहती हैं. ओके, उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो बना हुआ है दिस इज स्केलेटल सिस्टम. ये इस तरह की बॉडी है हमारी. इसके ऊपर फिर मसल्स, टिश्यूज, कई तरह के टेंडेंस, कार्टिलेजेस, लिगमेंट्स, राइट, ब्लड फ्लो सारा वो सब होता है. सो दिस पिक्चर यू मे कॉल इट अ स्केलेटल सिस्टम. नाउ लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डैश ओ एन ई एस. इफ यू ट्राई टू कंप्लीट दिस, सो इट्स वेरी इजी. बी ओ एन ई एस, हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं आपको पता है? 206 हड्डियाँ होती हैं और हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे तक जितनी बोन्स हैं दे आर देयर अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सेकेंड इज डैश ई एंड देन ओ. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विच पार्ट इज दिस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ये होते हैं टेंडन्स. ये एक तरह के टिश्यू होते हैं, राइट? टेंडन, टेंडन इज बेसिकली टिश्यू ओवर द बोन्स. ओके, नाउ दिस इज कार्टिलेज. वॉट इज दिस? दिस इज कार्टिलेज. अगेन ये भी एक टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो हमारे बोन्स को कुशनिंग देते हैं, राइट? कार्टिलेज. टेंडन जो होता है वो मसल से बोन को जोड़ता है, राइट? और अगर हम इस पार्ट पे आए तो ये है लिगामेंट्स. कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, लिगामेंट्स. ये भी सब टिश्यूज ही हैं. तो लिगामेंट जो है एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, राइट? और टेंडन जो है मसल से बोन को जोड़ता है, ज्वाइन करता है. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज पार्ट्स. सबका अलग अलग फंक्शन है. सब तरह तरह के टिश्यूज हैं जो हमारी बोन्स को कुशनिंग देते हैं और इम्पैक्ट से, किसी भी इम्पैक्ट से बचाते हैं. जैसे हमारे कभी कभी लग जाती है तो हमेशा थोड़ी कोई हड्डियाँ टूट जाती है, वो इनकी वजह से. ये सारे जो लिगामेंट्स और टेंडन्स और कार्टिलेज, ये जो होते हैं ना, कार्टिलेज तो एक प्रकार का टिश्यू है जो एज के साथ साथ, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, घिसता चला जाता है, डिक्रीज होता चलता है. एक तरह का ल्यूब्रिकेशन एक तरह का देता है हमारे बोन्स को, फ्लूइडिटी देता है. जो हम मूव करते हैं अपने बोन्स को वो कार्टिलेज की वजह से करते हैं. तो ये बड़ा बचाना ज़रूरी है. तो हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, अच्छा खाओ बोन्स के लिए, ओके, खूब दूध पियो, विटामिन डी लो. नाउ कम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकालता है. वेस्ट निकालने के दो तीन तरीके हैं एक्सक्रीशन. एक तो हम नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है. स्किन से हम पसीना निकालते हैं, है ना, वो भी एक्सक्रीशन है. और बाकी हम अपने जो किडनीज हैं वो जो वेस्ट निकालती हैं, फिल्टर करती हैं ब्लड को, वो वहाँ से अपने एनस से जो अपन रोज क्लीन करते हैं बॉडी को, वो पार्ट है, ठीक है? तो द फर्स्ट वन, लेट अस सी दिस, दिस इज किडनी. कई लोग किडनी के लिए बोलते हैं किडनी का काम है वेस्ट बाहर निकालना, लेकिन अगर सही माने में, साइंटिफिक टर्म में देखें
तो किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड फिल्टर करके वापस बॉडी में भेजना, और जो बचा कुचा वेस्ट है उसमें से सॉल्ट या और कोई मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेना, और बाकी का वेस्ट फिर वो ब्लैडर में भेजना जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू प्यूरिफाई द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड दैट वेस्ट इज देन सेंट आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, काम वही है वेस्ट बाहर निकालना, लेकिन हम पहले ये बोलेंगे कि किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना और ब्लड प्योरीफाई करके उसमें से वेस्ट बाहर निकालना और प्योरीफाइड ब्लड को वापस बॉडी में भेजना। ठीक है, उसके बाद किडनी से हमारे रिलेटेड होते हैं अभी आपके ये सारा बना, ये दो किडनी है हमारे बॉडी में, पीछे की तरफ होती है स्पाइन के नीचे की तरफ, ये बीन शेप्ड होती है, राजमा के जैसी होती है, और इनसे ये जुड़े हुए पार्ट हैं यूरेटर्स और यूरिथ्रा। सी, ये है यूरिथ्रा, किडनी से जुड़ा हुआ रहता है ये, जो हमारे वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, और दो यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स, URETERS, यूरेटर्स है ना, यूरिथ्रा, यूरेटर्स, और यूरेटर्स से फिर नीचे आता है ब्लैडर। ये यूरेटर्स हैं, यहाँ से नीचे आपका ये जो वेस्ट है वो आ रहा है, वो फिर ब्लैडर में फिल होता है ना, फिर ब्लैडर से फिर आप बाहर जो यूरिन जाते हैं हम वो बाहर निकलता है, सो वो ब्लैडर में फिल होता है, BLADDER, हम कहते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर हम बोलते हैं इसको। ये सारे रिलेटेड पार्ट्स हैं, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मुंह से लेके इंटेस्टाइन तक पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन है स्टमक, STOMACH, सबके होता है पेट, स्टमक, हमारा खाना ऊपर से फूड पाइप से नीचे जाता है और स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पर उसकी चर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, तो वो स्टमक हो गया। नाउ दिस इज ईसोफेगस, ये ESOPHAGUS, चेक द स्पेलिंग वंस अगेन, ईसोफेगस, राइट। ये ईसोफेगस एक तरह का फूड पाइप है, जो खाना हमारा फूड पाइप, एक विंड पाइप होता है एक फूड पाइप होता है, तो फूड पाइप में खाना यहाँ से जाकर के फिर स्टमक में जाता है। ठीक है, नाउ स्टमक के बाद वो चर्निंग के बाद वहाँ से नीचे इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट लार्ज में जाता है इंटेस्टाइन, यहाँ पे आगे का अब्जॉर्प्शन का काम होता है इंटेस्टाइन्स में, एंड दिस इज माउथ, MOUTH, माउथ, माउथ तो आपको पता ही है, खाना खाते हैं, टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का जो सिस्टम ध्यान रखता है ऊपर से नीचे तक, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे बॉडी में किस तरह से हमारा वर्किंग हो रही है पूरी, उसका एक तरह से कंट्रोल कह सकते हो पूरा। सो दिस इज द फर्स्ट वन, थायरॉयड, THYROID, आपने सुना होगा गले में ये हमारे थायरॉयड ग्लैंड होती है, और उसके बाद हमारा ये जो सेकंड पार्ट है, लेट अस चेक दिस, अपना ये पार्ट हुआ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड, ये भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एड्रीनल, एल एल करें, एड्रीनल, ठीक है, ये भी पीछे की तरफ होता है हमारी बॉडी में, एंड दिस इज, दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस, सो एड्रीनल ग्लैंड, दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज पैनक्रियाज, ये एक बहुत बड़ा बॉडी में एब्डोमेन में एक पार्ट होता है पैनक्रियाज, ये दो काम करता है, एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है और एक जो ब्लड शुगर बॉडी का है उसको मेंटेन करता है, राइट, ये पैनक्रियाज, और लास्ट वाला पार्ट आप समझ पाएंगे ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर बॉडी, PITUITA
PRY, the main functioning gland of our body, pituitary gland. So control of the entire body is done by this. So endocrine system ke thyroid, adrenal, pancreas, pituitary, ye hamare endocrine system hai. This is digestive system, stomach, esophagus, intestine, mouth. Parts to bahut sare hote hain, par aapki kitab mein char char likhe hue hain. So we have tried to understand them. Then this is kidney, urethra, ureters, bladder, and this is bones, tendon, cartilage, ligaments. ये सारे आपके बने हुए हैं. दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस इज स्केलेटल सिस्टम. बाकी भी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, आगे और पढ़ेंगे. ट्राई टू कंप्लीट दिस पेज चिल्ड्रन, राइट, वेन एवर यू गेट टाइम शो मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, टिल देन गुड बाय, सी यू.